है कि पंछी के पत्तों से बना हुआ है, इसमें धूप भी आ जाती है, बारिश भी आ जाती है। क्या शहजादे दोनों खेल रहे हैं, अम्मा देखती है धूप पड़ रही है दोनों बच्चों के ऊपर, और पास एक चादर थी उसे फाड़ा, आधा इमाम हसन के ऊपर दे दी, आधे इमाम हुसैन के ऊपर। उनके पास कुछ इनार पड़े थे, आधे एक बच्चों को दे दिया, आधे दूसरे को। जब शहजादे घर से बाहर निकले जाने से मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका बहुत खुश हुए, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उस पर राजी हो जाए जिसने मेरे बच्चों पर मेहरबानी की है, अल्लाह उस पर राजी हो जाए जिसने मेरे बच्चों पर मेहरबानी की है। आगे से शहजादे कहते हैं नाना जान किसी और ने नहीं, हमारी अम्मी आयशा ने हमारे पर मेहरबानी की है। तो मेरे आका ने क्या जुमला कहा जरा गौर से सुनो, दिल और दिमाग की खुड़कियाँ खोल के सुनो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की कसम आयशा तुम्हारी माँ है। अल्लाह एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की कसम आयशा तुम्हारी माँ है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। हजरत आयशा का जिक्र करना है जरा अल्लाह तआला सुभान अल्लाह कहना है तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। कोई दुनिया में तुझ सा कहा आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खाल के तो जहां आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खाल के तो जहां आयशा, जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उस प्यार की है दास्तां आयशा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की तहकीशा आयशा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है मां आयशा। उस प्यार की है दास्तां आयशा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है मां आयशा। तेरी हुजूर की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मदीना मकान आयशा। इजाजत दो तो मैं उस जगह बीमारी गुजारना चाहना जिसे मैंने सुकून मिलता है। सारी बीबियां देख दिया आका कितना इंतखाब कर दे रहे हैं, उन्होंने कहा साढ़े में इजाजत है मेरा का तुम जितने चाहो आराम कर सकते हो, मेरा आका फरमा रहे हैं कि मैं शायद मुझे आराम करूंगा छोड़ा इल्लल्लाह।